अच्छा मुझे ये बता दें कि वो जो बीमार उठ खड़ा हुआ है जल्दी से लंदन में, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बस मैं तेन पता जोश आई आंदे ने शेर पहले ठीक था, बीमार नहीं था ना। अब इंशाल्लाह वज़ीर-ए-आला पंजाब मियां हमदा नहीं, इमरान खान ने कर्जा ही बड़ा ले लिया, फकीर करता ने सानू यही मजबूरियां, सड़कां ते निकल आए की कर सकने। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा क्या चीज खींच ली आज आपको यहाँ पे? कोई नहीं, नून लीग के बंदे हैं, बस आए हैं घूमन फिरन वास्ते, चेक करने वास्ते। अच्छा ये बेसिकली नून लीग के सपोर्टर है और ये देखने आए हैं कि खान साहब की सपोर्ट में कितने लोग निकले, यही है वजह है? और नहीं, अल्लाह खैर करे बाबा, ये कड़ी गल है यार। डर नहीं लगा आज इतनी ज्यादा? अही कल्ले ही काफी है इमरान खान वास्ते। डर नहीं लगा आज इतनी ज्यादा आवाम देख के? ओ इतनी और हो गया, अही कहना डरने हैं। आप अकेले हैं यहाँ पे नून लीग के सपोर्टर? नहीं नहीं, बंदे आए ने, क्यों नहीं ना ले गए नहीं ला। अच्छा तो मुझे ये बता दें कि हमारे जो वजीर आजम अभी मौजूदा है, उन्होंने कहा है कि बेकारी वो कभी भी जाना वो चीज़ें लेने के लिए ना वो बात नहीं कर सकते, तक चूज़ नहीं कर सकते, बेगर्स कांट भी चूज़र, ठीक है, वो अपनी मर्जी से कोई भी चीज़ नहीं ले सकते। तो जो बेकारी होते हैं वो लीडर बन सकता है? नहीं, इमरान खान ने कर्जा ही बड़ा ले लिया, फकीर करता ने सानू यही मजबूरियां, सड़कां ते निकल आए की कर सकने। अच्छा मुझे ये बताएं कि आते साथ ही वज़ीर आज़म ने इतने सारे जो है ना बयानात दे दिए हैं और सैलरी बढ़ा दी है, पेंशन बढ़ा दी है, तो ये इतनी मिलेगी भी, ये बस बातों में ही है? नहीं नहीं, इंशाल्लाह मिलेगी, क्यों नहीं, पूरी मिलेगी बात। ये कहाँ से आएंगे? पाकिस्तान का तो पहले ही दिवाली निकल चुका है। नहीं नहीं, अल्लाह खैर करे मिलन दे इंशाल्लाह लाजमी। अच्छा मुझे ये बता दें कि वो जो बीमार उठ खड़ा हुआ है जल्दी से लंदन में, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बस मैं तेन पता जोश आई आंदे ने। अच्छा भाई को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो आ रहे हैं क्या हुआ है, बस वो कह रहे हैं जोश आ जाता है, और मेरा ख्याल है भाई की गवर्नमेंट देख के जोश आ गए। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म देख के उनकी जान में जान आ गई है और उनके प्लेटलेट्स एकदम से जो है बढ़ गए हैं। नहीं नहीं, चंगी गल है, सरवानी चाहिए। अच्छा तो वो आ रहे हैं पाकिस्तान जो है वो ईद करने के लिए, क्या उनको आना चाहिए? नहीं आना चाहिए, तो मुल्क उनका हक बनता, आना चाहिए, सानू कहना किसी का डर है। चले जी, ये नून लीग के सपोर्टर है, इनके जो है ना वो सर पे बिल्कुल जू नहीं रहूंगी रहेंगी और ये पूरी तरह से आपकी सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा तो खान साहब की सपोर्टर देख के आपका दिल नहीं डरा आज? नहीं, मेरा टेल कभी भी नहीं किसी तो डरिया पला है, तो ज्यादा बंदे आ जाने अल्लाह माफी दे, केड़ी डरना, रब की दात तो चाहिए बाद चो। अच्छा तो मुझे बताएं बिलावल को कौन सी जो है ना वजारत देंगे आप लोग? यही कोई नहीं, वजीर खारजा ध्यान देना। वो क्या होता है वजीर खारजा, क्या करता है? अच्छा जी, इसी के साथ हमारे साथ एक और नून लीग के सपोर्टर मौजूद हैं और वो बस ये जरा मुआयना करने आए थे कि कितने कुछ चंद लोग निकले हैं यहाँ पर बैरिया टाउन में, तो देखते हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा क्या कहेंगे खान साहब के साथ जो हुआ है, वो सही हुआ था गलत हुआ? बहुत पहले हो जाना चाहिए था, आपके ख्याल से जो ना लेट हुआ है? लेट हुआ, उसके तो 6 माह के अंदर हो जाना चाहिए था। अच्छा तो आप बात कर रहे थे अभी जो है वो परवेज लाही और जो है शुजात हुसैन के बारे में, उसके बारे में क्या कहते हैं? ये चोरी से परवेज लाही को सबसे बड़ा पंजाब का डाकू क्या था, अब पंजाब का सबसे बड़ी वजारत उसको देने जा रहा है, 184 MP उसके अंदर, 1 MP इसके पास रहा, मामला तो सारे खत्म हो गए, अब तो गवर्नमेंट ही गिर गई है। गवर्नमेंट गिरी है ना, अभी उसको नामजद कर रहे हैं ना, अब इंशाल्लाह वज़ीर-ए-आला पंजाब मियां हमदा शहबाज बनेगा। और मोनसलाई जो सबसे बड़ा करप्ट वजीर था पीपल्स पार्टी की हुकूमत में, 1100 अरब डॉलर की उसने अपना करप्शन की थी और पीपल्स पार्टी में जब वजीर डिप्टी वजीर आजम बनने के बावजूद उसी टाइम इन्होंने परवेज लाई को उसके बेटे को भेज दिया था उधर। अच्छा मुझे बताएं जी, शेर अचानक से कैसे उठ गया जो बीमार था? शेर पहले ठीक था, बीमार नहीं था पहले, मतलब आप मानते हैं कि शेर जो है वो बीमार नहीं था, वो ठीक था और दो नंबरी करके पाकिस्तान से बाहर गया? नहीं, ये इमरान खान की पूरी टीम ने उसको बाहर भेजा और इमरान खान की इजाजत से गया है। कौन बंदा जो इधर खड़ा हो, इमरान खान की इजाजत नहीं किया था? अच्छा मतलब कोई मसला नहीं था? नहीं कोई मसला, इमरान खान अपने डर से भेजा था, जिस डर से भेजा था, लेकिन वो काम फिर भी आज हो चुका है। चले ठीक है जी, इसी के साथ हम और लोगों से बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।